मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं मनोविज्ञान के बारे में, और मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है अपना व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व की अब मैं आपको पता लगा रहा हूँ कि किस किस का व्यक्तित्व कैसा है, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि किसका व्यक्तित्व कैसा है और कैसे चेक किया जाता है। ये अपन सारी चीजें जान रहे थे। पहले मैंने जो आपको पहले वाली क्लास लगी थी जिसमें मैंने व्यक्तित्व के बारे में बताया था आपको, फिर सेकेंड अपने सिद्धांत पढ़े थे। सिद्धांत खत्म होने के बाद व्यक्तित्व मापन की कुछ विधियां बताई मैंने आपको, एक सारणी बना दी थी पूरी, जो पहले वाली क्लास लगी थी अभी इससे पहले, तो मैंने आपको एक सारणी बनाई थी, ठीक है। उस सारणी में मैंने आपको बताया था, पहले तो अपन ने प्रक्षेपी विधियां पढ़ ली थी, अब पढ़ रहे थे अपन अप्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी में अपन ने पढ़ा है TAT पढ़ा है, सोर्स शायद धब्बा परीक्षण पढ़ा है, इसके बाद CAT पढ़ा है, इसके बाद WAT पढ़ा है अपन ने, CST SAT पढ़ा है अपन ने, इसके बाद नाटक विधि पढ़ी है अपन ने। तो ये अनेक प्रकार की जो प्रक्षेपी मेथड थे ये अपन ने जाने हैं, इनके प्रवर्तक पढ़े हैं, और मैंने आपको सारा सारा मीटर आपको डिटेल से बताया है कि किस तरह से ये व्यक्तित्व के मापन के में काम आता है या इसके व्यक्तित्व का पता लगाने में काम आता है, ठीक है। इसके बाद ये सारी होने के बाद इसके बाद फिर अपन ने क्लास पढ़ी है जो पहले वाली क्लास लगी थी, इसमें मैंने आपको बताया अपन ने क्या पढ़ा अभी, अप्रक्षेपी विधियां, अप्रक्षेपी मापन पढ़े अपन ने। तो इसमें मैंने आपको सारणी बनाई थी कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि है, कौन सी आत्मनिष्ठ विधि है और मनोविश्लेषणात्मक विधि है। सबसे पहले अपन ने बात की थी आत्मनिष्ठ विधि की। जो नए बच्चे आए हैं बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मेरी एक एक बात पर गौर करेंगे। अगर वो पुरानी क्लासें देखना चाहते हैं बिल्कुल आप हमारे चैनल पर जाइए, लिंक पर जाइए, आपको वहां पर पूरी क्लास है साइकोलॉजी की कुलदीप जांगिड़ सर के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। आपको कोई भी इधर उधर देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सारी क्लासें आपको उपलब्ध मिलेगी। सभी क्लासें, कोई भी क्लास डिलीट नहीं है, वहां पर सारी क्लासें अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद अपन ने बात की थी आत्मनिष्ठ विधि की जो पहले वाली क्लास लगी थी। आत्मनिष्ठ विधि में सबसे पहले अपन ने बात जो अपन ने परीक्षण किया था वो किया था साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। इसके बाद अपन ने जाना आत्मकथा के बारे में, फिर जाना अपन ने परिसूची अनुसूची के बारे में। ये तीन प्रकार की जो विधियां थी व्यक्तित्व मापन की, किसकी विधियां हैं, ये व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परिसूची अनुसूची के प्रवर्तक कौन है, साक्षात्कार के प्रवर्तक कौन है, इसके बाद आत्मकथा के प्रवर्तक कौन है, या फिर आपसे ये पूछे जाएंगे कि निम्न में से प्रक्षेपी विधि कौन सी है, अप्रक्षेपण विधि कौन सी है, या फिर आपसे मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक और क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि ज्यादातर विधियां वस्तुनिष्ठ मिलेगी। छह विधियां ऐसी थी, कितनी विधियां, छह, जो क्या थी, ओनली आत्मनिष्ठ विधियां थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अभी जो चल रहा है मैटर वो चल रहा है आत्मनिष्ठ विधियों का। यहां तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहां तक मैंने आपको बता दिया था सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नावली विधि, मोस्ट इंपोर्टेंट विधि आती है प्रश्नावली विधि, जो कौन सी विधि है, आत्मनिष्ठ विधि। प्रवर्तक की बात करें तो प्रवर्तक कौन है, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, प्रवर्तक आपको ध्यान रखना है R.S. वुडवर्थ। एक ही मनोविज्ञान में वुडवर्थ हुए हैं जिनका नाम है R.S. वुडवर्थ, याद मत रखना R.S. बिल्कुल नॉर्मली याद रखना वुडवर्थ। 1918 में इन्होंने यह सिद्धांत दिया था, ये विधि दी थी, और इसमें व्यक्तित्व के मापन का परीक्षण किया गया था, ठीक है। इसके बाद बात करें अपन वुडवर्थ कहाँ के निवासी थे, ये मैंने आपको बता दिया था अमेरिका के, कहाँ के निवासी थे दोस्तों, अमेरिका के ये निवासी थे। क्लियर है यहां तक, सभी को समझ में आ रहा है, जल्दी से सभी वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से शेयर कर देंगे पहले। अब बात करें कि कैसे हल कराया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से हल कराया जाता है। याद रखना अप्रत्यक्ष रूप से हल कराया जाता है। प्रश्नावली विधि को किस तरह से हल कराया जाता है, कैसे हल कराया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से। किस विधि को, प्रश्नावली विधि को, प्रश्नावली विधि को हल कराने का तरीका कैसा है, तरीका कैसा है दोस्तों, तरीका अप्रत्यक्ष रूप है इसका, अप्रत्यक्ष तरीके से। यानी कि इसमें जो व्यक्ति रहेगा उसके जो व्यक्तित्व का या उसके व्यवहार का जो मापन किया जाएगा उसमें सभी पक्षों का मापन हो जाएगा। कैसे होगा कि प्रश्नावली, सुनना आराम से, प्रश्नावली मेथड है। प्रश्नावली में क्या रहेगा, मान लो उसके कौन से भी पक्ष का कार्यात्मक, सभी पक्ष कौन कौन से होते हैं,
सभी पक्षों का मापन किया जाता है, किया जाता है। सभी पक्षों में कौन कौन से पक्ष आते हैं? क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक। ये अपन सभी पक्ष मान सकते हैं जो पर्टिकुलर अपने साइकोलॉजी में बताया जाता है, इनको ही पक्ष मानते हैं। क्रियात्मक पक्ष हो गया, ज्ञानात्मक पक्ष हो गया, भावात्मक पक्ष हो गया, ठीक है। अब क्या होता है इस प्रश्नावली विधि में, इसमें व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मापन किया जा सकता है। सभी पक्ष मतलब क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक। अब मान लो मुझे क्रियात्मक पक्ष का मापन करना है बालक में, मान लो मुझे बालक में ज्ञानात्मक पक्ष का मापन करना है, मान लो मुझे भावात्मक पक्ष का मापन करना है किसी में। जैसे मैं आपको पर्टिकुलर आपकी बात करूं कि मुझे आपका परीक्षण करना है, तो मैं आपको विधि कौन सी ले रहा हूँ? प्रश्नावली विधि से मुझे, मेरे को आप वुडवर्थ समझो। क्या समझो? वुडवर्थ। मैं वुडवर्थ हूँ, मैंने परीक्षण दे दिया। कौन सा परीक्षण दे दिया मैंने? प्रश्नावली विधि परीक्षण दे दिया, ठीक है। इसका मापन दे दिया। कब दिया मैंने ये? 1918 में दिया। अब मैं आप में से किसी एक बच्चे का या एक लड़के एक लड़की किसी का भी मैं परीक्षण करना चाहता हूँ, मापन करना चाहता हूँ, व्यक्तित्व मापन करना चाहता हूँ या उसके व्यवहार का पता लगाना चाहता हूँ, तो सभी पक्षों का मापन किया जा सकता है। बिल्कुल, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि प्रश्नावली विधि से सभी पक्षों का मापन संभव है? बिल्कुल संभव है। अब मान लो मुझे क्रियात्मक पक्ष का मापन करना है या फिर ज्ञानात्मक करना है या फिर भावात्मक करना है। मैंने चुन लिया किसका? ज्ञानात्मक का। कौन से पक्ष का मापन करना है मुझे? ज्ञानात्मक पक्ष का मापन करना है। तो मान लो मुझे ज्ञानात्मक पक्ष का मापन करना है, तो मैं जो आपके सामने प्रश्नावली रखूंगा, प्रश्नावली का मतलब होता है एक एग्जाम पेपर, एग्जाम पेपर आपके पास भेजा जाता है और आपको उसके आंसर देने हैं। अब ये प्रश्नावली कैसी भी हो सकती है, तीन प्रकार की प्रश्नावली होती है। तो बंद प्रश्नावली होती है, एक खुली प्रश्नावली होती है, और एक होती है चित्रित प्रश्नावली और एक मिश्रित प्रश्नावली। चार प्रकार की प्रश्नावली मैंने आपको बताई। किसी भी प्रश्नावली से उससे रिलेटेड ज्ञानात्मक पक्ष का करना है तो चारों प्रश्नावली से संबंधित एक भेज दी। जैसे खुली प्रश्नावली भेजी तो आप खुली प्रश्नावली में बड़े बड़े क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है। कैसे दूंगा? बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने आपके सामने वो भेज दिए, क्वेश्चन भेज दिए ज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड, क्योंकि मुझे आपका ज्ञानात्मक पक्ष ही चेक करना है। क्या करना है? मुझे आपका ज्ञानात्मक पक्ष ही चेक करना है। तो मैं कौन से क्वेश्चन भेजूंगा? ज्ञानात्मक पक्ष वाले क्वेश्चन भेजूंगा। भेज दिए, अब आप उत्तर देना शुरू करोगे। खुली प्रश्नावली है तो बिल्कुल बड़े बड़े क्वेश्चन लिखोगे, निबंधात्मक तरीके से क्वेश्चन लिखोगे, अति लघुदात्मक क्वेश्चन लिखोगे, लघुतरात्मक क्वेश्चन लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अगर मैं आपसे बंद प्रश्नावली से संबंधित क्वेश्चन भेजूंगा ज्ञानात्मक पक्ष से, तो मैं बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से क्वेश्चन भेजूंगा। कैसे भेजूंगा? ऑब्जेक्टिव तरीके से। तो आपको राइट लगाना रहेगा, क्या ये, क्या ये, क्या वो, और ए और बी सी डी, डी में से चार में से एक लगाना है आपको राइट। तो ये होती है बंद प्रश्नावली, वो मैं आगे बताऊंगा आपको भी। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है किस तरह से ये प्रश्नावली होती है? सभी पक्षों का मापन संभव है, प्रवर्तक वुडवर्थ है, विधि को हल कराने का तरीका कैसा है? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि प्रत्यक्ष का मतलब होता है इस विधि में परीक्षार्थी व परीक्षणकर्ता आमने सामने नहीं होते हैं, ठीक है। सभी पक्षों का मापन किया जा सकता है, जिस पक्ष का, लिख देता हूं मैं, जिस पक्ष का मापन करना है उस पक्ष से संबंधित बालक को या व्यक्ति को प्रश्न दिए जाते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? अब प्रत्यक्ष का मतलब मैंने आपको बता दिया। इस विधि में परीक्षार्थी वो परीक्षण करता, कौन कौन? परीक्षार्थी जो परीक्षा दे रहा है, जिसका व्यक्तित्व मापन किया जा रहा है, परीक्षण करता जो व्यक्तित्व का मापन कर रहा है, जैसे मैं कर रहा हूं, मैंने आप में से एक विद्यार्थी वो गया परीक्षार्थी। तो ये दोनों अपन आमने सामने नहीं है। अभी जैसे मैं मान लो ऑनलाइन क्लास चल रही है, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आप बिल्कुल मेरे सामने हो, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? आमने सामने। मेरे आप क्वेश्चन मुझे पूछोगे, अब मैं आपका जवाब दे दूंगा।
तो ये प्रश्नावली नहीं है, मैं किसी अन्य माध्यम से आपके पास एक टेस्ट सीरीज भेजूंगा, एक क्वेश्चन भेजूंगा, आपको उत्तर देके मुझे देने वापस। तो ऐसे करके खुले तरीके से, बंद तरीके से, मिश्रित तरीके से, चित्र तरीके से आपको अपना परीक्षण देना है, आपको अपना मापन करना है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया? आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे और बताता हूँ कैसे ये विधि। ठीक है, ठीक है, चलिए मिटा दूं मैं। तो ये होती है कुछ प्रश्नावली से संबंधित कुछ बातें, और भी बहुत सारी बातें हैं जो इसमें की जाती है। ठीक है, विधि कब दी थी? 1918 में, 18 में दी, यानी कि 18 में इसका प्रयोग किया था। अरे भाई, 18 में ये विधि दी मतलब इसका 18 में प्रयोग किया था। अब कब किया था, कैसे किया था, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रश्नावली विधि ये क्या होती है? प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है। क्या होती है? प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है, श्रृंखला होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है। श्रृंखला का मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उसमें, अलग अलग टाइप के। जैसे आपका ज्ञानात्मक पक्ष का अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो ज्ञानात्मक पक्ष में अलग अलग तरह के क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन 50 बार लिख दिया हो, एक ही तरह का क्वेश्चन लिख दिया हो। श्रृंखला का मतलब अलग अलग जुड़े उससे रिलेटेड। जैसे एक क्वेश्चन मैंने निकाला कि आप किस तरह से सोचते हो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन भी सोचने पर ही बताऊंगा कि आपका ज्ञान किस तरह से उसको ऑब्जर्व करता है, आपको कितना समय लगता है उस चीज को करने में, फिर आप उस चीज का कहां उपयोग करते हो। यानी कि श्रृंखला, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से जुड़ा रहेगा, दूसरा क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन से जुड़ा रहेगा, चौथा क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन। अरे भाई, श्रृंखला का मतलब मैं इजीली लूं, पहली वेब सीरीज निकल के आई, पहली वेब सीरीज किससे जुड़ी है, दूसरी वेब सीरीज किससे जुड़ी है, पहली वेब सीरीज से जुड़ी है। जैसे मान लो मूवी है क्रिस, क्रिस मूवी है, पहली क्रिस है। ठीक है, तो दूसरी सेकंड क्रिस आई, तो पहली क्रिस की श्रृंखला है दूसरी। आप जब इसको देखोगे क्रिस 2 को, तो आपको लगेगा नहीं क्या क्रिस फर्स्ट भी देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ पार्ट उसमें पहले वाला भी है। जैसे अपन हॉलीवुड की बात करें, जैसे अपने पास तो हॉलीवुड में श्रृंखला होती है, मिशन इम्पोसिबल के 8 पार्ट हो गए, तो 8 पार्ट को देखने के लिए आपको लगेगा कि यार पहले पार्ट में कौन सा जुड़ा हुआ है, सारे एक मिशन चलता है उसमें, वो होती है श्रृंखला, उसको बोलते हैं श्रृंखला बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यानी कि इसमें आपके जो प्रश्नों की एक श्रृंखला रहेगी, इससे ही व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा। ठीक है, अब यही विधि व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार की एकमात्र विधि है, व्यवहार की एकमात्र विधि है। यानी कि व्यक्तित्व के साथ साथ व्यवहार का मापन भी होता है इस विधि में, व्यवहार का मापन भी किया जा सकता है। क्योंकि जैसे मान लो ज्ञानात्मक पक्ष की अपन बात कर रहे हैं, ज्ञानात्मक पक्ष के कुछ क्वेश्चन मैंने लिए और एक श्रृंखला आपको भेज दी है। ठीक है, अब इससे क्या पता चलेगा कि यार ये लड़का उसी क्वेश्चन को कितने ज्ञान में करता है, कैसे ज्ञान लगाता है। अलग अलग, सबका ज्ञान अलग अलग होता है, कोई की सोचने की क्षमता ज्यादा होती है, किसी की कम रहती है, कोई मीडियम तरीके से सोचता है, तो उससे क्या होगा, उसके व्यवहार का पता चल जाएगा। मान लो उसमें कुछ क्वेश्चन नेगेटिव थे, फिर भी वहां पर बालकों को अच्छे लग रहे हैं, उसमें निबंधात्मक क्वेश्चन है, मान लो मैं निबंधात्मक क्वेश्चन में एक प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोलने के लिए बोलता हूँ कि आप हमारे पीएम प्रधानमंत्री के लिए कुछ लिखिए, तो बहुत से बच्चे होंगे जो पीएम प्रधानमंत्री के लिए नेगेटिव बातें भी लिखेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पीएम प्रधानमंत्री के लिए कुछ पॉजिटिव बातें भी लिखेंगे। मैं आपसे बोलूंगा कि राहुल गांधी के लिए कुछ आप पेज लिखिए, एक पेज लिखिए 200 शब्दों में, 500 शब्दों में आपको कुछ लिखना है। ठीक है, तो कुछ बच्चे होंगे राहुल गांधी की कुछ तारीफ भी करेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो राहुल गांधी की कुछ नेगेटिव बातें भी करेंगे, कुछ बड़ा चढ़ाकर बोलेंगे, कुछ कम लिखेंगे, कुछ ज्यादा लिखेंगे। मतलब ये एक व्यवहार का तरीका होगा, उनके लिखने का सिस्टमेटिक तरीका होगा, ये उसके ज्ञानात्मक पक्षों का क्या कर रहा है, परीक्षण कर रहा है। ठीक है, अब बात करें कि प्रश्नों को परीक्षार्थी के पास कैसे भेजा जाता है। ठीक है, यानी कि प्रश्नावली विधि में, इस विधि में क्योंकि परीक्षार्थी, मैंने आपको बोला था इसमें परीक्षार्थी तथा परीक्षण करता आमने सामने नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते? आमने सामने यानी कि इंटरव्यू की तरह ऐसे नहीं होते, आमने सामने नहीं होते, मौखिक की तरह नहीं होते। जैसे मौखिक पेपर लिया जाता है ना, वैसे नहीं होते, टीचर बैठा रहता है, मौखिक परीक्षा हो रही है उसकी, तो बिल्कुल क्वेश्चन पूछेंगे और मौखिक की तरह वो उत्तर देगा, तो वो अलग मौखिक परीक्षा हो जाती है, वो नहीं आएगी प्रश्नावली विधि में।
तो आमने सामने नहीं होते तो क्वेश्चन को कैसे भेजेंगे? इस विधि में प्रश्नों को परीक्षार्थी के पास जैसे परीक्षार्थी के पास कैसे भेजा जाएगा, अलग अलग तरीके रहेंगे। जैसे डाक, मेल, कोरियर के डाक की तरह डाक से भेज देंगे, मेल से भेज देंगे, कोरियर करवा देंगे, डाक से, मेल से, कोरियर से आदि अलग अलग माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है। कैसी श्रृंखला होती है? कि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से जुड़ा रहेगा। व्यक्ति के व्यवहार की एकमात्र विधि है व्यवहार का पता चल जाता है। इस विधि में प्रश्नों की परीक्षार्थी के पास डाक, मेल, जैसे डाक की सहायता से, मेल की सहायता से, कोरियर की सहायता से या कोई किसी के माध्यम से भिजवा देंगे और उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, ये होगी बात किसकी? प्रश्नावली से रिलेटेड सारी चीजें कि प्रश्नावली विधि होती कैसे, यहां तक मैंने आपको इतना सा बताया। ठीक है, अब प्रश्नावली विधि कितने प्रकार की होती है और प्रश्नावली विधि सबसे पहले कहां पर प्रयोग किया गया था, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। यहां तक मुझे ये बताइए कि सबको समझ में आया कि नहीं आया, सभी को क्लियर हुआ ना? अभी तक मैंने जो प्रश्नावली विधि से कुछ आपको एग्जाम्पल दिए या फिर मैंने इसकी डेफिनेशन बताई, वो आपको समझ में आई? क्लियर हुआ? चलिए आप लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं अपन इसके बारे में। चलो आ गया सबको समझ में? सॉरी मिटा दो इसको मैं, आप चलिए। प्रश्नावली विधि का सबसे पहले प्रयोग, सबसे अब याद करने की चीजें डायरेक्ट लिखता हूं, याद करना। सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? 1918 में, जैसा कि मैंने लिखा है वहां पर। 1918 में कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, 1418 चला था वो, उसके बाद परीक्षण किया गया था। ये प्रयोग किस पर किया गया था? सबसे पहले प्रयोग अमेरिका के सैनिकों के व्यक्तित्व मापन के लिए वुडवर्थ ने प्रयोग किया। क्या किया? प्रयोग किया, यानी कि उन सैनिकों के व्यक्तित्व का मापन करना था, चेक करना था, किनको? वुडवर्थ ने। तो 1918 में उन पर यह प्रयोग किया गया। ठीक है, किसके लिए किया गया? व्यक्तित्व मापन के लिए। किसका? सैनिकों का। ठीक है, यह आपको याद रह जाएगा। किस पर सबसे पहले प्रयोग किया? अमेरिका के सैनिकों पर। किसने किया? वुडवर्थ ने किया। कब किया? 1918 में किया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, इसके बाद और बात करें, अब कैसे प्रयोग किया इन्होंने, क्या किया? वुडवर्थ ने सैनिकों को क्या दिया? एक तो कागज दे दिया और दूसरा क्या दे दिया? पेंसिल दे दी। कागज में कुछ क्वेश्चन लिखे होते और पेंसिल दे दी, अब उनको हल करने के लिए दिया और वुडवर्थ भाई साहब चले गए। ठीक है, अब उनको व्यक्तित्व का मापन करना था। कैसे भी, ये पता नहीं है कि उसके ज्ञानात्मक पक्ष का कर रहे थे, हो सकता है सभी पक्षों का उनके व्यक्तित्व मापन कर रहे थे। तो दिया क्या था उनको? कागज और पेंसिल, दो चीजें हैं किन? वुडवर्थ ने दिए, ये दो चीजें किसने दिए? वुडवर्थ ने उनको दे दी। परीक्षण कर रहे थे ये, अपने टेस्ट ले रहे थे उस चीज का। ठीक है, तो सैनिकों ने कहा किसको? कहा इस विधि को कहा क्या? कहा क्या दे दिया उनको? कागज और पेंसिल। तो सैनिकों ने क्या कहा? ये पेंसिल, कागज पेंसिल परीक्षण है, कागज पेंसिल परीक्षण। तो ये कागज पेंसिल परीक्षण क्या है? ये उपनाम हो गया किसका? किसका उपनाम हो गया?
ये प्रश्नावली विधि का उपनाम हो गया। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। सैनिकों ने क्या करा, इस विधि का या इस परीक्षण का नाम क्या रख दिया, कागज पेंसिल परीक्षण रख दिया, कागज पेंसिल परीक्षण रख दिया। सबसे पहले प्रयोग कर रहे थे अमेरिका के सैनिकों पर किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सैनिक बचे थे उन पर यह परीक्षण का प्रयोग किया गया, उन पर व्यक्तित्व मापन के लिए यह प्रयोग किया गया। किसने किया, वुडवर्थ ने किया। उनको क्या करा कि उन्होंने एक कागज दे दिया, पेंसिल दे दिया, उसमें कुछ क्वेश्चन थे और वो करने के हल करने के लिए देने थे। ठीक है, तो सैनिकों ने जैसे ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने क्या बोला, इस परीक्षण को कागज पेंसिल परीक्षण बोल दिया कि ये तो कागज पेंसिल परीक्षण है। ठीक है, तो यहां से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं, चलिए लास्ट और बात कर लेते हैं प्रश्नावली की, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अब बात आएगी इसमें कुछ। वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, चाहे वो टीचिंग मेथड हो, चाहे आपके साइकोलॉजी का एग्जाम हो, वैसे अधिकतर टीचिंग मेथड में पूछे गए इनसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको प्रश्नावली विधि कैसी है, क्योंकि वो व्यवहारिक क्वेश्चन पूछेगा और आपको बिल्कुल लगना चाहिए कि हाँ ये प्रश्नावली विधि है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन प्रश्नावली विधि के प्रकार। किसकी बात कर लेते हैं, प्रकार, कितने प्रकार है इनके, चार प्रकार दिए, एक दो तीन और ये चार, हो गए चार। किसने दिए ये चार, वुडवर्थ ने दिया। कौन कौन सा नाम है वुडवर्थ ने जो प्रकार दिए, खुली प्रश्नावली, सभी को समझ में आ रहा, जल्दी से बताइए, सभी कमेंट करेंगे जल्दी से बताएंगे समझ में आ रहा सभी को, खुली प्रश्नावली। इसके बाद आता है बंद प्रश्नावली, इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है चित्रित प्रश्नावली, फोर्थ नंबर पे आता है मिश्रित प्रश्नावली। अब एक भी मुझे नहीं लगता कि इन चारों को समझाने की जरूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैसी प्रश्नावली है। ठीक है, अब खुली प्रश्नावली की बात करें, इसमें परीक्षार्थी, परीक्षार्थी कहो या विद्यार्थी कहो, एक ही बात है, जिन पर परीक्षण किया जाता है ना उसको बोलते हैं परीक्षार्थी या विद्यार्थी। ठीक है, और अधिकतर विद्यार्थी होते हैं जिनका टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, वो विद्यार्थी हो जाते हैं, चाहे वो 55 साल का हो, 60 साल का हो, 65 का हो, 85 का हो, लेकिन अगर कोई उसका टेस्ट ले रहा है तो उस टेस्ट लेने वाले के लिए वो तो क्या है, विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है। ठीक है, परीक्षार्थी या विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी या परीक्षार्थियों को इसमें उत्तर लिखने के लिए, विद्यार्थियों को उत्तर लिखने के लिए लिए स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, यानी कि कितना भी लिख सकते हैं, स्वतंत्र है। जैसे निबंधात्मक प्रश्न होते हैं आपके, निबंधात्मक प्रश्न, इसके अलावा अपन और बात करें लघुतरात्मक होते हैं, इसके बाद थर्ड नंबर पे बात करें अति लघुतरात्मक होते हैं, स्वतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि वो 20 पेज में लिख देगा अति लघुतरात्मक में, क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा है उसमें वो उसके अकॉर्डिंग तो आंसर देगा, लेकिन लिखने का तरीका स्वतंत्र रहेगा, उसके पास कोई मैंने एक पॉसिबिलिटी नहीं डाली, ऐसा नहीं रहेगा कि यार 20 शब्दों में लिखा तो रहता है कि हाँ 20 शब्दों में दीजिए, लेकिन एक स्वतंत्र लिखने के लिए ऐसा तो नहीं रहेगा ना, वस्तुनिष्ठ की तरह कि उसको आंसर इनमें से ही एक देना है, ऐसा नहीं है ना, इसलिए वो बाध्य नहीं है। जबकि बंद प्रश्नावली में क्या रहेगा, वो बाध्य रहेगा उत्तर देने के लिए, क्या रहेगा, बाध्य रहेगा। यहां समझना ना, इतना बड़ा नहीं लिखूंगा यहां पर। अब किसमें बाध्य रहता है, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, समझ जाना, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बाध्य रहता है बिल्कुल। आपके सामने न्यू टाइप जैसे क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न दे दिया चार ही, आपको उन चार में से एक राइट लगाना है, यानी कि आप बाध्य हो गए, या तो छोड़ के आना पड़ेगा या वो चार में से एक लगाना, आप अपनी स्वतंत्रता नहीं दिखा सकते वहां पर, नीचे नोट लगा के नहीं लिख सकते कि यार नहीं मुझे तो चारों अच्छे नहीं लग रहे, मैं तो अपने तरीके का आंसर बताऊंगा, ऐसा नहीं होगा, उनमें चार में से देना पड़ेगा। ठीक है, चित्रित प्रश्नावली बिल्कुल चित्रों के माध्यम से, चित्र संबंधी क्वेश्चन रहेंगे, चित्र संबंधित प्रश्न, बस
इतनी सी बात है इसमें। अब चित्र संबंधित प्रश्न है तो यहाँ पर नोट लगा के लिखूंगा, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बात लिखूंगा यहाँ पर कि देखो चित्रित प्रश्नावली किनको अच्छी लगती है, किनको अच्छी लगती है, यानी कि इसमें पढ़े लिखे की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि एकमात्र परीक्षण, एकमात्र परीक्षण जिससे अनपढ़ों पर किया जा सकता है, अनपढ़ों पर जिस पर अनपढ़ों पर किया जा सकता है, यानी कि अनपढ़ जो लोग रहते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उन पर इस परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। चित्रित परीक्षा जो चित्रित प्रश्नावली है उसके माध्यम से अनपढ़ों के व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा, किसके माध्यम से, चित्रित प्रश्नावली। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता है कि मुझे परीक्षण करना है अनपढ़ लोगों का, वो अनपढ़ लोगों का ही करना है तो कौन सी प्रश्नावली का कौन सा भाग यूज करेंगे अपन, उसमें भाग यूज करेंगे चित्रित प्रश्नावली, क्योंकि चित्रित में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें चित्रों के माध्यम से उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद मिश्रित प्रश्नावली, यानी कि हर एक क्वेश्चन कैसे आएंगे, मिक्स आएंगे, मिक्स आएंगे, मिक्स का मतलब कुछ क्वेश्चन निबंधात्मक रहेंगे, कुछ क्वेश्चन खालिस्तान वाले भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन अति लघुतरात्मक रहेंगे, कुछ क्वेश्चन लघुतरात्मक रहेंगे, मिक्स वेज, यानी कि मिक्स होते हैं ना, जैसे अभी इंडिया में बात करें, भारत की अपन बात करें, भारत में जो भी एग्जाम होते हैं वो होते हैं मिश्रित प्रश्नावली से। टेंथ का बोर्ड होगा एग्जाम होगा, ट्वेल्थ के एग्जाम होते हैं, उसमें देखा होगा आपने चार क्वेश्चन तो निबंधात्मक आते हैं, फिर चार क्वेश्चन लघुतरात्मक आएंगे, फिर निबंधात्मक आएंगे, अति लघुतरात्मक आएंगे, और उसी में ऑब्जेक्टिव वाले भी आते हैं, ठीक है। तो मिश्रित प्रश्नावली, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, भारत में सर्वाधिक, सर्वाधिक कहाँ है, भारत में उपयोग, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। मिश्रित प्रश्नावली खत्म हो जाती है तीनों प्रकार के, तीनों प्रकार मतलब निबंधात्मक, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक या वस्तुनिष्ठ, इन प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं एक ही पेपर में, एक ही श्रृंखला में, तो वो होती है मिश्रित प्रश्नावली। अनपढ़ों पर करेंगे अगर उसका परीक्षण तो कौन सी होगी, चित्रित प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ वाले क्वेश्चन किस में रहेंगे, बंद प्रश्नावली। बड़े बड़े या अति लघुतरात्मक निबंधात्मक किस में रहेंगे, वो रहेंगे आपके खुली प्रश्नावली, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया हो अच्छे से, तो बिल्कुल ये होती है प्रश्नावली फिनिश। यहां से प्रश्नावली विधि खत्म होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। यहां तक सभी को समझ में आया, मिटा दूं, चलिए ये होती है प्रश्नावली विधि खत्म। अब बात कर लेते हैं एक और विधि है इसमें जिसका नाम है इतिहास गाथा विधि। नेक्स्ट विधि का नाम है इतिहास गाथा विधि, यानी कि फाइव नंबर पे बात करेंगे अपन इतिहास गाथा विधि, ठीक है। इसी को बोलते हैं जीवन गाथा विधि, और क्या बोलते हैं, जीवन गाथा विधि। किसने दी थी ये, टाइडमैन ने, टाइडमैन किसने दी थी, टाइडमैन ने, कब दी थी, 1727 में, कब दी थी, 1737 में, ठीक है, 27 नहीं है 37 है। और टाइडमैन की मैंने आपको बता दिया, टाइडमैन कौन थे, नैदानिक परीक्षण, यानी कि नैदानिक जो मनोविज्ञान है, मैंने आपको बताया था शाखा मनोविज्ञान की निम्न शाखाएं हैं, जो मैंने आपको पुरानी क्लासों में, देख लेना आप, बिल्कुल शाखाएं मैंने लाइन टू लाइन लिखाई है, किस शाखा का प्रवर्तक कौन है, कितना प्रतिशत अपन पढ़ते हैं, कितना प्राचीन कौन सी है, नवीनतम शाखा कौन सी, सारी की सारी जानकारी मैंने पहले वाली क्लासों में दी है। साइकोलॉजी की शायद पांचवी या छठी क्लास रहेगी जिसमें मैंने आपको मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में बताया है, ठीक है, वहां जाकर देख लेना आप। टाइडमैन अगर इनकी बात करें, कहाँ के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के, कहाँ के निवासी है, स्विट्जरलैंड के, सॉरी स्विट्जरलैंड के नहीं है, स्विट्जरलैंड के,
जर्मनी के, कहां के निवासी है, जर्मनी के। इन्होंने क्या दिया था, नैदानिक परीक्षण या नैदानिक मनोविज्ञान की शाखा का जनक मानते हैं किनको, टाइडमैन को। ठीक है, अब देखो इस इतिहास गाथा विधि, जीवन गाथा विधि, नाम से ही पता चल रहा है इसमें व्यक्ति का, जो व्यक्ति रहेगा उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किस प्रकार किया जाएगा, किस प्रकार किया जाएगा। इसमें मान लो कोई एक व्यक्ति है पर्टिकुलर, उसको केंद्रित कर लिया किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्रकार के व्यक्ति को, यानी कि मुझे इस पर्टिकुलर या इस व्यक्ति का मुझे मापन करना है, इसका परीक्षण मुझे करना है, तो उसको केंद्र कर लिया। अब उसके बारे में जांच करना है, इतिहास जानना है, किसी भी एक व्यक्ति को केंद्रित करके उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेनी है। संपूर्ण जानकारी लेने के बाद जो भी मुझे सुनाई देगा कि इसके बारे में मैंने यहाँ पता किया, इन्होंने इस तरह से कहा, इसके बारे में मैंने वहां पता किया, उन्होंने मुझे इस तरह से बताया, यानी कि अलग अलग जानकारी आ रही है सबकी उस व्यक्ति के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के इतिहास गाथा के अनुसार, जीवन गाथा के अनुसार उसके व्यक्तित्व का परीक्षण हो जाएगा कि यार ये इस टाइप का व्यक्ति है या इस टाइप का ये व्यक्तित्व है, कौन सा व्यक्तित्व है इसका, किस तरह से रहता है, कैसा बिहेवियर करता है, किस तरह से इसका समाज में क्या नाम है, सारी की सारी चीजें कैसे जानेंगे वो, इतिहास के माध्यम से, उसके इतिहास के माध्यम से, उसके जीवन के माध्यम से। ठीक है, अब इस विधि में मान लो जिस व्यक्ति का क्या करना है, परीक्षण करना है, तो उसके इतिहास को कैसे जानोगे आप, तो वो तरीका अलग अलग होता है, कैसे जानोगे। पहले बात कर देता हूं मैं इतिहास गाथा विधि क्या है, लिख देता हूं, जिस व्यक्ति का परीक्षण करना है, उसको केंद्रित करके, उसको केंद्रित करके, क्या करके, केंद्रित करके उसके, उसकी संपूर्ण जानकारी, ऐसा लिखते हैं, केंद्रित करके उसकी संपूर्ण जानकारी, उसकी संपूर्ण जानकारी एकत्रित की जाती है, क्या की जाती है, एकत्रित की जाएगी, की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है, एकत्रित की जाती है। अब एकत्रित कैसे करोगे, मान लो किसी व्यक्ति का अपन को इसी इसके बारे में इतिहास जाना, एकत्रित कैसे करोगे, तो एकत्रित कैसे करना है, इकट्ठा कैसे करना है, बालक का व्यक्तित्व जानने के लिए क्या तरीके हैं उसके, कैसे करोगे, या तो पड़ोस से पूछोगे या रिश्तेदारों से पूछोगे या दोस्तों से पूछोगे, ये तरीके होते हैं, रिश्तेदार हो गए, परिवार हो गया, दोस्त हो गए, परिवार हो गया, इनसे ही तो पूछोगे आप। जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो जानना है, उसके बारे में पता करना है, तो कैसे पूछोगे, उसके पड़ोस के पास जाओगे आप, उसके पड़ोस से पूछोगे कि यार ये राहुल कैसा व्यक्ति है, मुझे बताए इसके बारे में, कि ये अमित कैसा व्यक्ति है, कि ये राकेश कैसा है, कि ये कुलदीप कैसा है, पड़ोस से पूछोगे, किससे पूछोगे, अगर पड़ोस से नहीं पूछोगे तो रिश्तेदारों से पूछोगे, रिश्तेदारों से पूछोगे कि ये हेमंत कैसा है, उनसे बताया, फिर हेमंत बताया चोर उचक्का है, तो यार ये खेलता है दिन भर, है ना, ग्राउंड पे रहता है ये, तो ऐसे तो खेल सारा व्यक्तित्व है, इसका व्यक्तित्व तो कैसा है, फिर ये खेलता रहता है, बस खेलता रहता है। जैसे राकेश के बारे में पता है ना कि राकेश का व्यक्तित्व तो कैसा है, तो रिश्तेदार क्या बताएगा, राकेश ये तो घर पे ही नहीं आता, ये तो पता ही नहीं हमें कहाँ आता, ये तो रात को खाना खाने आता है, सुबह खाना खाने आता है, उसके बाद चला जाता है, हमें पता नहीं कहाँ रहता है ये, तो आप उसका व्यक्तित्व कैसे जानोगे, रिश्तेदारों से ये बताया, रिश्तेदार और रिश्तेदार पड़ोसी तो सबसे ज्यादा सच्चाई बताएंगे, सच्चाई में भी दो ज्यादा जोड़ के बताएंगे। अगर रिश्तेदार करनी है ना आपको, किसी भी रिश्तेदारी संबंध बनाना है ना, तो उस लड़के के बारे में या लड़की के बारे में उनसे मत पूछो, किसे पूछो आप, रिश्तेदारों से पूछो, रिश्तेदार इतना जबरदस्त तरीके से पेश करेंगे कि अरे मोबाइल में दिखाऊं तेरे को एक दो फोटो, तो इस तरह से वो आपके व्यक्तित्व का कैसे बताएंगे, इनसे, दोस्तों से पूछो, दोस्त जो दोस्त होंगे, मान लो उसकी यार है, राकेश का दोस्त, कुलदीप का दोस्त, हेमंत के दोस्त, तो वो दोस्त बड़ा चढ़ाकर बोलेंगे, अरे कुलदीप, अरे ऐसा इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा, मेरे लिए रात को 12-12 बजे तक खड़ा रहता है ये। परिवार से पूछो तो परिवार तो कभी नेगेटिव बात ही नहीं करेंगे, मेरा बेटा तो लाखों में एक है, करोड़ों में एक है। तो इस तरह से उसके व्यक्तित्व का पता करना है, कैसे पता करना है, परिवार से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, और किनसे, पड़ोसियों से, बस इन दो से डर के रहना, पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से। एक रिश्तेदारों की एक बात बताऊं आपको मैं, आपके घर में कभी रिश्तेदार आए ना तो वो क्या बोलते हैं, बेटा क्या कर रहे हो, बेटा 12th में कितनी बनी, 85 बनी, ओहो बेटा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तैयारी करके रहो,
आपको मैं यही चाहता हूँ कि आप जीवन में सब कुछ कामयाबी हासिल करो, सारी चीजें पाओ। बोलते हैं ना रिश्तेदार, आपको जवाब क्या देना है कि आप सहन तो कर लोगे क्या? क्या बोलना है आपको कि आप तो सहन कर लोगे क्या? सबसे ज्यादा बुराई करेंगे रिश्तेदार, नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, कोई नहीं चाहेगा। ज्यादा से ज्यादा कौन चाहेगा, एक तो दोस्त चाहते हैं, बस एक तो दोस्त चाहता है और एक परिवार चाहता है कि आप जीवन में कुछ बनो, कुछ आगे बढ़ो। बाकी ये पड़ोसी और ये रिश्तेदार, ये जो पढ़ के लिए जिंदगी में जान दे देनी है। परिवार जैसा समझो दोस्तों को, और दोस्तों को क्या समझो, परिवार समझो। बाकी रिश्तेदार पड़ोसी इनको तो नेगेटिव में लो आप, ये मेरा व्यक्तिगत है, मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा करो, लेकिन अधिकतर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि रिश्तेदार कभी नहीं चाहते कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो, कभी नहीं चाहते। वो बड़ी बड़ी बातें तो कर जाएंगे। परिवार का मतलब मैं पर्टिकुलर आपके जो रिलेटिव, उनसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, परिवार के मतलब अपने मम्मी पापा, भाई बहन, आपके जो भी घर में रहते हैं, ठीक है। दोस्त जो जिगरी होते हैं, दोस्त में वही आते हैं जो जिगरी होते हैं। दोस्त में ऐसे नहीं आते कि यार एक साल दे लिया, 2 साल बाद बाकी कर रहा, वो तो दोस्त में आते ही नहीं है। वो श्रेणी दोस्त की नहीं होती है, दोस्त चीज ही अलग है। दोस्त दोस्त में मैंने ये नहीं कहा कि आप देखो, हर सेक्टर में अलग अलग दोस्त होते हैं। आप कहाँ जाओगे, आपने जॉब लगेगी, जॉब लगते ही आपके नए दोस्त बन जाओगे, पुराने दोस्त भूल जाओगे, तो ये दोस्ती नहीं होती। फिर दोस्ती वो होती है, आप कहीं भी रहो, कहां पर भी रहो, कैसे भी रहो, लेकिन वो एक दोस्त ऐसा होता है जिंदगी में कि वो आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो वो उस दोस्त की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वो चाहता है कि आप जिंदगी में कुछ बनो। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आप रूम पार्टनर कर रहे हो, वो दोस्त बन गया, फिर वापस आप घर आ रहे हो, वो रूम पार्टनर खत्म। वो इतना सा दोस्त था, इतना एक टाइम पीरियड, एक मिनिमम टाइम पीरियड के लिए दोस्त बना आपका, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। जिस व्यक्ति का परीक्षण करना है उसको केंद्रित करके उसकी संपूर्ण जानकारी एकत्रित करनी है। कैसे एकत्रित करनी है? बालक के व्यक्तित्व का जानने के लिए उसके पड़ोसी, रिश्तेदार, से दोस्तों, से परिवार से पूछोगे, और ये इतिहास जानोगे, उसके बारे में पता करोगे, जानोगे इतिहास कैसा है, 12th में कितना परसेंट था, 10th में कितना परसेंट था, ये 12th में कुछ बात हुई थी स्कूल में, लड़ाई करता था क्या, इस तरह से आपके व्यक्तित्व का ज्ञानात्मक पक्ष की गणना होगी। 12th में कितना परसेंट है, मार्कशीट लेके आई है, इसकी पुनः मार्कशीट देखते हैं, सारी मार्कशीट देखेगा। क्रियात्मक, कार्य करने की क्षमता, तो इसके खेल वगैरह के डॉक्यूमेंट वगैरह देखेगा, तो ये क्रियात्मक हो जाएगा। भावात्मक, आसपास के पड़ोसी ये पूछा है कि लड़ता तो नहीं है ना, प्रेम कैसे करता है, ईर्ष्या तो नहीं करता ना, किसी से जलने की भावना तो नहीं है ना, इस तरह से उसके इतिहास के बारे में जानना होता है, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया है? मजा आ रहा है ना क्लास में? देखो, एंजॉय होना चाहिए क्लास में। मैंने आपको एक बात बताई है कि मैं क्लास को आपको उस तरह से पढ़ाऊंगा जैसा आपने लाइफ में देखा है, जैसा जिया है उसको, या जैसा आप उसको फॉलो करते हो। मैंने कभी भी बुक्स की या इन चीजों को कॉपी करके आपको नहीं थोपा है, मैंने आपको हमेशा वो चीजें बताने की कोशिश की है, क्योंकि मनोविज्ञान है सब्जेक्ट एक व्यवहारिक सब्जेक्ट, क्वेश्चन भी व्यवहारिक आएंगे और पूछेंगे भी व्यवहारिक, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन बात करते हैं। ठीक है, मिटा दूं? चलिए, ये होती है इतिहास गाथा की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई है। देखो, अब इस विधि में सर्वाधिक किन व्यक्तियों का मापन किया जाता है? सर्वाधिक समस्यात्मक, समस्यात्मक या अपराधी प्रवृत्ति, अपराधी प्रवृत्ति का या अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, किया जाता है, मापन बोलो या परीक्षण बोलो, एक ही बात है, ठीक है। देखो, समस्यात्मक बालक और अपराधी प्रवृत्ति के बालक, इनका ही क्यों किया जाता है यह भी मैं बता देता हूं। अपराधी को जानने के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या जानना होता है कि उसके, पुलिस वाले ने देखा होगा आपने, कोई भी व्यक्ति चोरी करता है तो उसके बारे में जानने के लिए उसके मोहल्ले में जाते हैं, मोहल्ले वाले रिश्तेदारों से पूछते हैं, पुलिस अलग अलग जगह जाती है, उसके दोस्तों के पास भी जाती है कि गाड़ी चोरी की, आपके पास तो नहीं आया था ये, आपके पास कितने बजे उठता बैठता है, कैसे रहता है, कैसा बिहेवियर करता है, ये सारी चीजें। अपराधी प्रवृत्ति के जो बालक होते हैं ना, उस पर सबसे ज्यादा इतिहास गाथा का ही वर्णन किया जाता है, या उसके व्यक्तित्व को जानने के लिए इस विधि का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। समस्यात्मक बालक, जो समस्यात्मक होते हैं, किसी की मस्ती करते रहते हैं, कोई टीचर को परेशान करेंगे, किसी पड़ोस को परेशान करेंगे, इसके बाद कहीं पर जाएंगे, वहां पर लड़ाई कर लेंगे, परेशान करेंगे, यानी कि हर जगह समस्या उत्पन्न करेंगे, हर जगह समस्या उत्पन्न करेंगे। समस्यात्मक बालक होते हैं, ये भी एक बालकों की श्रेणी होती है, और अपराधी प्रवृत्ति के बालक होते हैं, ये भी एक बालकों की प्रवृत्ति होती है। ये अपन पढ़ेंगे व्यक्तित्व के जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं में जो बालक होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे प्रतिभाशाली बालक,
सृजनात्मक बालक, इसके बाद समस्यात्मक बालक, अपराधी बालक, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सारे बालक होते हैं अलग अलग टाइप के। कैसे बालक किस विधि का प्रयोग करते हैं, किस बालक को सुधारने के लिए। समस्यात्मक भी बालक करें, आपने क्लास देखी होगी, टीचर पढ़ा रहा है, आप में से होंगे स्टूडेंट है, मैं टीचर हूँ, तो आप में से कोई समस्यात्मक बालक है तो कैसी मस्ती करेगा, मेरे टॉपिक पढ़ाने से पहले ही वो ज्यादा टॉपिक पढ़ के आ जाएगा और क्वेश्चन करने लग जाएगा टीचर से। तो ये आते हैं समस्यात्मक की श्रेणी में। किसी के पेन चुभ रहे हैं, किसी के पेन चुभ रहे हैं, किसी को नाक में कुछ कर रहे हैं, तो वो टीचर से बोलेगा ये देखो कुलदीप मुझे परेशान करता है सर। इस तरह के बालक जो होते हैं वो समस्यात्मक बालक होते हैं, ये दिमाग से समस्यात्मक करने वाले होते हैं। अपराधी प्रवृत्ति के बालक चोरी करना, डकैती डालना, लड़ाई करना, किसी मारपीट करना, ये होते हैं अपराधी प्रवृत्ति के बालक। ठीक है, तो उनकी जो व्यक्तित्व का मापन करना होता है ना, वो कौन सी विधि है सर्वश्रेष्ठ, वो है इतिहास गाथा विधि। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है, अब इस इतिहास से समस्या सोल्व भी हो जाती, इसीलिए इस विधि से निदान करना आसान है, निदान करना आसान है। क्या है? आसान है। कैसे? मान लो कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति है समस्यात्मक बालक, उसकी सारी समस्या अपन ने पता लगा ली कि ये वहां पर जाने से बिगड़ रहा है या ये वहां पर जाने से कुछ गलत कर रहा है, तो अपन उसको क्या करेंगे, वहां जाने से रोक लेंगे। समस्या जान ली ना अपन ने, सारी समस्या उसके बारे में जान ली, गलत जान लिया, अच्छा जान लिया, जो भी सारी चीजें हैं जान ली। अब उसको गलत जो है वो नहीं करने देंगे अपन, क्योंकि अपन को पता चल गया है। अपन क्या करें, पता चल गया है तो पता लगने के बाद वो निदान संभव है, इसीलिए इसको नैदानिक परीक्षण भी कहा गया है। क्या कहा गया है? नैदानिक परीक्षण भी कहा। ठीक है, इसके बाद और बात करें, एक प्रोफेसर आते हैं, प्रोफेसर वर्गस। क्या नाम होता है? प्रोफेसर वर्गस। प्रोफेसर वर्गस ने इस विधि को, जल्दी से बताइए मुझे किसको याद है इस विधि को कहा, क्या कहा जल्दी से बताइए, किसको पता है? देखिए मैं वेट कर रहा हूं, किसको पता है? जल्दी से बताइए, प्रोफेसर वर्गस ने इस विधि को क्या कहा? सामाजिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहा। ये पूछ ले तो आपको क्या बताना है? इतिहास गाथा विधि को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहा है, यानी कि सामाजिकता के, उसके सामाजिक गुणों के मेन पॉइंट तक जाने वाला यंत्र है कौन सा? इतिहास गाथा। छोटी से छोटी जानकारी उपलब्ध करा सकती है आपके इतिहास गाथा। बैठ कर बात करते हैं, बहुत से देखे होंगे आपने, मान लो आपके फ्रेंड होते होंगे, लड़कियों में फ्रेंड होते हैं, लड़कों में फ्रेंड होते हैं, तो मान लो उनको लग जाता है कि यार मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, तो वो बिल्कुल उसके दोस्त के घर पे चले जाएंगे, वो माता पिता उनके समस्या समाधान करेंगे कि यार आप दूर रहा करो मेरे बेटे, तो छोटी से छोटी चीजें बताएंगे वो, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाती है समस्यात्मक खत्म, कौन सी? इतिहास गाथा विधि। ये होती है आपकी आत्मनिष्ठ विधियां खत्म। अब मुझे सब ये बताएं कि सबको क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बनते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, कल नेक्स्ट क्लास में अपन बात करते हैं, वस्तुनिष्ठ विधियों को लेकर आऊंगा मैं। कल की क्लास में वस्तुनिष्ठ विधियां नहीं खत्म होगी, 2 दिन की क्लास लगेगी, उसके बाद फिर अपन बात करते हैं। चले, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।